इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप बोर्ड एग्जाम अगर आप 10th और 12th क्लास में हो तो क्यों आपके कॉपी चेकिंग में यानी जो आपकी कॉपी चेक टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो क्यों आपके नंबर कट ऑफ होते हैं और किस चीज़ को ध्यान में रखकर टीचर आपकी कॉपी में जो है ज़्यादा नंबर देते हैं, यानी नंबर आपको आपके कब ज़्यादा आते हैं और कब आपके फेल होने के चांसेस होते हैं, यानी चांस होते हैं फेल होने के, क्यों आपके नंबर कम आते हैं, यानी कॉपी में आपने क्या गलती कर रखी होती है जिसकी वजह से आपके नंबर कम आ जाते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं। और मैं आपको ये बताऊँगा कि क्यों आपके नंबर ज़्यादा आते हैं, यानी कॉपी चेकिंग के क्या रूल है, मार्किंग स्कीम के यानी नंबर देने का क्या रूल है, क्या नियम है, किस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं और क्यों आपके नंबर ज़्यादा आते हैं, क्यों आपके कम आते हैं, है ना। तो देखिए इससे पहले आपको ये बताऊँ, देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में यार बहुत टाइम लगता है, कंटेंट यार पिक सेंड करने में, वीडियो एडिट करने में, तो यार प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और देखिए इसमें आपको कॉपी चेकिंग से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो अच्छे से, तो और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे, है ना। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय डालते हुए। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है टीचर आपको ध्यान में रखकर लाइन वाइज और इफेक्ट, मतलब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं जब उनके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ना चाहिए तो आपको ज़्यादा नंबर देते हैं। इफेक्ट का मतलब मैं बात करूँ, लाइन वाइज का मतलब मैं बात करूँ तो देखिए जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर को लाइन वाइज करते हैं, अगर आपने वैसा नहीं कर रखा है, अगर आपने देखिए जो आपको आता है वो आपने पहले कर रखा है और जो आपको नहीं आता वो बाद में कर रखा है, ये चलेगा, यानी टीचर के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए जैसे मैं बात करूँ, आपने कॉपी राइट कर दी, मेन पॉइंट होता है टीचर के ऊपर इफेक्ट का। देखिए आपको जो याद होता है क्वेश्चन और आंसर वो आपने अगर पहले कर दिया है और जो आपको नहीं आता वो बाद में करा है तो टीचर क्या सोचेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, स्टार्टिंग में ही टीचर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा, तो वो क्या करेंगे आपको जो है अच्छे मार्क्स दे देंगे, स्टार्टिंग में अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर देंगे और लास्ट में अगर जो आपने कुछ बना बना कर करा है तो उसमें थोड़े बहुत नंबर कट ऑफ हो जाते हैं पर इतने कट ऑफ नहीं होते, जिससे जो आपकी मार्किंग मतलब जो आपका नंबर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, ज़्यादा नंबर आपके आ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही बना बना कर लिख देते हैं, स्टार्टिंग से ही लाइन वाइज पेपर करते हैं तो उनका क्या होता है टीचर के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता, जिससे फेल होने के भी चांसेस होते हैं। तो आइए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अब जो टीचर जो आपकी कोविड में दूसरी चीज़ देखते हैं वो होती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के अंदर देखिए क्या क्या आती है, आपकी पहली आती है हैंड राइटिंग और दूसरा आता है क्वेश्चन मार्क, ब्लैक पेन का यूज़ करना, कोमा, बिंदु, अंडरलाइन, किसी नेम या फिर पर्सन प्लेस आदि, मतलब पर्सन किसी ना किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी जगह के नाम को बड़े अक्षर में लिखना इंग्लिश में या फिर हिंदी में भी कर रहे हो तो आपको उस आपने उसको ब्लैक पेन से लिखा है, यानी कॉपी को अच्छे से राइट करा है आपने, यह होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के भी अगर आपके आपने अगर कॉप में क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी दिखाई है, यानी देखिए आपने क्या करा है, देखिए काफ़ी सारे बच्चे के मन में ही डाउट होता है कि बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन यूज़ नहीं करते, पर ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हो। देखिए किस लिए, अंडरलाइन करने के लिए, ताकि वो वर्ड जो यानी जो पॉइंट है वो अलग ही साइन कर जाए, यानी जो मैन मैन पॉइंट है या फिर कभी आप सन लिख रहे हो, है ना, यानी ईयर लिख रहे हो कोई सा, किसी व्यक्ति का जन्म या फिर किसी व्यक्ति का मृत्यु या फिर किसी जगह का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम, जो मैन मैन पॉइंट है वो सब ब्लैक पेन से लिख दोगे तो वो क्या होगा टीचर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और क्रिएटिविटी आप देखिए आप जो है अपनी हैंड राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देकर अपनी हैंड राइटिंग जो है काफ़ी अच्छे से लिखो, यानी थोड़ा गैप दे दे के लिखो। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं एक साथ जो है लिख देते हैं, मतलब बीच में थोड़ा हल्का सा गैप नहीं छोड़ते, तो वो टीचर को मतलब क्रिएटिविटी आपकी अच्छी नहीं हो पाती, जिससे आपके फेल होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपने ये मिस्टेक नहीं करी होगी तो क्या होगा आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे, यानी आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आइए अब थर्ड पॉइंट पर ध्यान देते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सो थर्ड पॉइंट आपका इन्फॉर्मेशन, यानी टीचर जो आपकी कॉपी में देखते हैं वो देखते हैं इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने क्वेश्चन आंसर राइट करा है, यानी जिस भी क्वेश्चन का आपने आंसर राइट करा है उसमें देखेंगे आपने आंसर में इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। काफ़ी सारे बच्चे क्या सोचते हैं मतलब कॉपी में लिखते भी हैं या फिर करके भी आते हैं तो क्या करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उन्हें अगर याद भी नहीं होता तो क्या करते हैं उसको लॉन्ग कर देते हैं, यानी अगर आधे पेज का उन्हें याद होगा ना तो दो ढाई पेज का कर देंगे। तो उसमें टीचर का मेन पर्पस होता है इन्फॉर्मेशन देखना,
इन्फॉर्मेशन देखना, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है या नहीं है। तो आपने अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखा होगा, आपने अगर बनाकर भी लिखा है तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। अगर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया होता है, जो मैं वो वाले नहीं कह रहा, जो आपको परफेक्ट याद है वो अलग है, और जो आपको नहीं याद है उस आपने बना बना कर भी करा है, तो उसमें आपने अगर इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो टीचर आपको काफ़ी अच्छे नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।